नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूं रीना। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ था। अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले यह रहस्यमय महाविस्फोट किस तरह हुआ था हुआ होगा। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले पूरे ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु के केंद्र में महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद वह फैलता गया और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का जन्म हुआ है जो मौजूद समय में हमारे सामने है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस महाविस्फोट में इतनी ऊर्जा थी कि उसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। इसमें उन तंत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है जो विस्फोट का कारण बन सकते हैं। ये तंत्र उन मॉडलों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका उपयोग वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया है, हमने उन महत्वपूर्ण मानदंडों को परिभाषित किया है जहां हम स्वयं उग्रता पैदा करने वाली लौ जला सकते हैं, उसे गति दे सकते हैं और उसे विस्फोट में परिवर्तन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने हाइपरसोनिक जेट के तरीकों की खोज करते हुए बिग बैंग प्रकार के विस्फोट कराने के तरीके का पता लगाया है। अध्ययन से पता चला है कि टीम प्रणोदन के लिए इन सुपरसोनिक प्रतिक्रियाओं का पता लगा रही थी और उसी के फलस्वरूप हमें इस तंत्र का पता चला जो बहुत रुचिकर नजर आ रहा था। जब हम आगे बढ़े तो यह एहसास हुआ कि यह ठीक वैसे ही है जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी भी इस पर आगे के शोध चल रही है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। सिद्धांत को समझाया गया था, इसके अनुसार करीब 14 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी, फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।